रामगढ़ताल पुलिस ने जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आजाद चौक के पास चिलमापुर में फायरिंग करने वाले दो अभियुक्तों को हनुमान मंदिर आजाद चौक से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान आकाश निषाद पुत्र स्वर्गीय राम मूर्त निषाद निवासी भरवलिया बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल तथा आनंद यादव पुत्र ईश्वर यादव निवासी भरवलिया बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, जो दो जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी विनोद कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, अश्वनी यादव व कांस्टेबल बबलू यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये सर बत्तीस हुआ इधर इधर नहीं चलिए दिनांक 7/5 को चिलमापुर रामगढ़ताल क्षेत्र में हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास। उसके क्रम में हम लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पूछताछ वगैरह की तो हमें पता चला कि तीन व्यक्ति थे जिन्होंने फायरिंग की थी। आलोक यादव जो था विक्टिम था, उसने बताया था हमें। इस संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 171/21 पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में आज 1:15 के आसपास आज़ाद चौक हनुमान मंदिर के पास से हमने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, आकाश निषाद और आनंद यादव, और इनके पास से हमें एक अदद पिस्टल 32 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 32 बोर और एक अदद खाली खोखा कारतूस मिला है हमें 32 बोर का। नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, ये मुकदमा है। इसके अतिरिक्त अभी 3/25 आम सेक्ट के अंदर 176/21 मुकदमा भी लिखा जा रहा है। ये स्कूल में पढ़ते थे, इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की है, और ये आकाश निषाद है, आनंद यादव है, एक अनुज है जो अभी फरार है, उनकी अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तारी हमने आज़ाद चौक हनुमान मंदिर से किया था 1:15 पर। मुखबिर से सूचना मिली तो उसके आधार पर हम लोग गिरफ्तार किया।